No question hour. No zero hour. No special mentions. Only these bills, financial bills and related business will be taken up today. Sri Ghulam Nabi Azad ji, leader of the opposition, to initiate the discussion. Please. Mani Chairman sir, main yahan Jammu Kashmir aur Ladakh ke jo charon appropriations bill hain un pe bolne ke liye khada hua. कितना ही अच्छा होता कि जिन बिल्स पे आज इस राज्यसभा में या इससे पहले लोकसभा में चर्चा हुई, ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होते. मैं इस पे दोबारा आऊंगा. आखिर में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्यों होना चाहिए? लेकिन अभी ऐसे हालात में इन बिल्स पे जहां चर्चा हो रही है, जबकि पूरा दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और उससे निकलने की कोशिश कर रही है, क्वारंटाइन दुनिया में कई लोग हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर साढ़े सात महीने से पॉलिटिकल क्वारंटाइन में. हमें भी उससे निकलने की जरूरत. जब तक हम उस पॉलिटिकल क्वारंटाइन से बाहर नहीं निकलेंगे, जो कुदरत की तरफ आफत नहीं है, हमेशा दुनिया में अलग अलग की आफतें आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, वो कुदरत की तरफ से होती है, भूकंप कुदरत की तरफ से होता, बीमारियां कुदरत की तरफ से, जैसे आज ये वायरस फैल रहा है, कुदरत की तरफ है, जिस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है. लेकिन जम्मू कश्मीर आज जो 7.5 महीने से बीमार है, वो कुदरत की वजह से नहीं, वो अल्लाह भगवान की तरफ वाहिगुरु की वजह से नहीं, वो फ्लड सैलाब की तरह से नहीं, वो आंधी तूफान और सूखे से नहीं, वो अपने देश की ही सरकार की वजह से. कभी भी दुनिया में ये कभी सोचा गया है कि आपदा लाने वाला कोई विदेशी हमलावर नहीं है, आपदा लाने वाला आसमान से उतरने वाला कोई नहीं है, बल्कि अपने देश के रखवाले ही आपदा बन गए. कभी भी उस स्टेट में कितने तूफान आए, मैं बाद में उनके आंकड़े दूंगा. जम्मू कश्मीर पिछले 30 वर्षों में, लेकिन कभी भी इस तरह का एक्शन लिया गया? आज स्टेट, जिस स्टेट को एक वक्त बिल्कुल द ब्रिंक थी, कत्लेआम हो रहा था, रिट्रीव करना मुश्किल होता था, जिस स्टेट में अपने ही लोग लाखों की तादाद में वहां छोड़ के चले गए थे, हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे, उनके नाम मैं बाद में लाऊंगा,
क्योंकि उस तरफ से बड़े सिलेक्टिव नाम आते हैं। मैं आज इस सदन के द्वारा देश और दुनिया को जरूर बताऊंगा, वो भी आखिर में। लेकिन तभी इस तरह का केंद्रीय सरकार की तरफ से निर्णय नहीं हुआ, भाजपा की भी सरकार रही और बीजेपी के सबसे टॉलेस्ट लीडर, जिनको आज तक हम समझते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी सत्ता में रहे, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने भी जनता के साथ वादे किए थे, लेकिन पार्टी के वादे से देश ज्यादा बड़ा होता, पार्टी को मजबूत करने से देश को इकट्ठे रखना सबसे बड़ी ताकत। पार्टी को तो मजबूत आप किसी भी स्लोगन से कर सकते हो, रीजनल पार्टीज रीजनल स्लोगन से करते हैं, लैंग्वेज वाले लैंग्वेज स्लोगन से करते हैं, कुछ धर्म वाले चाहे किसी धर्म है वाले हैं उससे मजबूत करते हैं, लेकिन देश को और सभी जातियों सभी धर्मों सभी रीजन सभी रिलीजन का विश्वास प्राप्त करने के लिए पार्टी को भूल जाना होता है और देश को नजर में रखना होता है, जो कि इस सरकार ने नहीं रखा। इस सरकार ने यही रखा कि 70 साल पहले हमने वादा किया है 370, तो जब भी मौका आ जाएगा उसको खत्म करना है, चाहे वो देश खत्म हो जाए, सूबा खत्म हो जाए, इकॉनमी खत्म हो जाए, लोग खत्म हो जाए, उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमने पार्टी का वादा जरूर पूरा करना है, वरना हमें कैसे कहेंगे कि हम बड़े आदमी हैं, हमने पार्टी का वादा नहीं पूरा किया। ये वादा आपसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन उन्होंने देश को प्राथमिकता दी, उन्होंने पार्टी को आगे नहीं रखा। तो ये आज जो बजट हम पेश कर रहे हैं, इस पे मैं दो चार बातें बताऊंगा, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बीमार को आपने वेंटिलेटर पे रखा, अब वेंटिलेटर पे आप क्या देंगे उसको? आप कहोगे आप वेंटिलेटर पे, तुमको बिठा दिया है कश्मीर को वेंटिलेटर पे बिठा, हम कहेंगे कि आपके लिए हमने नया घर बनाया है, उसमें बड़ा लान होगा, उसमें फूल होगा, उसमें क्यारियां होंगी, उसमें सब्जियां होंगी, उसमें फ्रूट होगा, उसमें नौकर चाकर होंगे, उसमें व्यवस्था होती खाने पीने की, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया लगी होगी। लेकिन वो कहता है इसका इस्तेमाल तो तब करूंगा जब मैं वेंटिलेटर से उतरूंगा। तो इसलिए ये बजट से पहले आपको पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारना पड़ेगा, और जिस चीज की जिस दवाई की उसको जरूरत है वो दवाई उसको देनी होगी। बीमार दिल का बीमार है और उसे आप पेट का दर्द की दवाई दे रहे हैं, गुर्दे का बीमार है उसे सर की दवाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। प्लीज, इसलिए मेरा आपसे इस सरकार से निवेदन होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट यहां बैठे हैं, हमारे नेबर भी हैं, और ये बड़ी छूतछात की बीमारी भी होती है, अगली ये यूटी बनेगा अगली इनकी बारी आए, क्योंकि नेबरिंग है ना, तो इसलिए उसको बचाना है तो यहां पहले ठीक कर दो। तो हमें इसका इलाज जो करना होगा, स्टेटहुड वापस करनी होगी तुरंत बिना किसी डिले। मैं जानता हूं कि आप समझते हैं कि भाई गलती हो गई, हमको एक तरफ जाना था हम दूसरी तरफ गए, आपको लैंड राइट्स देने होंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे आपके हिमाचल में है, वहां कोई आर्टिकल 370 नहीं है, आपको नौकरी के इख्तियार देने होंगे। ये तीन बेसिक चीजें हैं जिसमें कोई विवाद नहीं है जम्मू में, अगर है तो मुझे बीजेपी का एक लीडर बताइए
जम्मू से एक लीडर बताइए जो कहेगा उसे स्टेटहुड नहीं चाहिए। मुझे एक जम्मू का बीजेपी का लीडर बताइए जो कहेगा कि हमें लैंड पूरे जो जिसको मर्जी है कल से खरीद ले जम्मू में। एक बीजेपी का लीडर बताइए, एक मुझे लीडर बताइए जम्मू का बीजेपी का जो ये कहे कि नहीं पूरे हिंदुस्तान से जो 100 सीटें निकलती हैं 20 सीटें निकलती हैं इसमें पूरा देश अप्लाई कर सकता। जम्मू में दो दफा, कश्मीर में नहीं। एक तो हाई कोर्ट के निकले थे स्टेनोज और क्लर्स की जगहें 3 महीने पहले 100 की, बंद हुआ 24 घंटे में विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि वो पूरे देश के लोगों को अप्लाई करना था, हाई कोर्ट को विड्रॉ करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ और निचले ग्रेड की जगहें निकली थी, हड़ताल हुई वो वापस लेनी पड़ी। इसमें कोई विवाद नहीं है जम्मू और कश्मीर के बीच में और कारगिल के बीच, सिर्फ विवाद था लेह डिस्ट्रिक्ट के बीच। लेह डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी चाहते थे, दे दीजिए उनको, लेकिन लैंड और नौकरी के बारे में वो भी कश्मीर और जम्मू के साथ चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई लैंड वहां बाहर वाला खरीदे या नौकरी दोबारा वाला खरीदे। तो जब जम्मू वाला नहीं चाहता, कश्मीर वाला नहीं चाहता, लद्दाख वाला नहीं चाहता, तो आप कानून किसके लिए बना रहे हो? बीजेपी वाला नहीं चाहता, कांग्रेस वाला नहीं चाहता, एनसी वाला नहीं चाहता, पीडीपी वाला नहीं चाहता, नेशनल पार्टी वाला नहीं चाहता, रीजनल पार्टी वाला नहीं चाहता, हिंदू नहीं चाहता, मुसलमान नहीं चाहता, सिख नहीं चाहता, ईसाई नहीं चाहता, बौद्ध नहीं चाहता, जैन नहीं चाहता, तो ये कानून किसके लिए? इसका जवाब चाहता। इसलिए ठीक है, अपने आप बीजेपी के लोगों को नहीं बोलना पड़ता, देते हैं वो हमको, बोलते हैं कि आप बोलो, हमको तो गला पकड़ते हैं कि तुम नहीं बोलना, लेकिन स्टेटमेंट दे दे, मैं मानूंगा इनमें कि इन तीनों चीजों में उसको कोई नहीं चाहिए, मैं विड्रॉ करूंगा। 3 MLA इनके, 3 प्रेसिडेंट ये बयान देंगे कि हमें जमीन पर कोई आपत्ति, जो ले नौकरी जो करे यहां, और यूटी नहीं, स्टेट भी नहीं चाहिए। मानिए चेयरमैन सर, ये जो बजट, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग है। 1 लाख से ज्यादा बजट दिखाया गया है, पैसा दिखाया गया है 1 लाख करोड़ से ज्यादा, लेकिन ये मिसलीडिंग। इस पे जो खर्चा है 14% की बढ़ोतरी दिखाई है, लेकिन वास्तवता में 6-8% ही बढ़ेगा रियल टर्म में, और इंक्रीज दिखाया है खर्चे में 12% ज्यादा, जो कि नेशनल इंक्रीज से कम है। दूसरा 53% जो कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पर, तो 53% तो इसी में चला गया, बाद में डेवलपमेंट के लिए क्या रहा? फिर कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि प्राइम मिनिस्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने 6,000 करोड़ रखे हैं, वो 6,000 करोड़ की बेवरा क्या है? कहीं आपने ओल्ड EAP प्रोग्राम्स को इसी के साथ जोड़ा है, जैसे कि उसमें ये सरकार बहुत माहिर है? फिर ये कहा है 4,000 करोड़ हम लोकल रेवेन्यू, लोकल बजट मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे। यूटी में कौन सा आपका ऐसा एरिया है जहां आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे? कौन सी खदानें हैं? आपने कैपिटल बजट जो पब्लिक इंजीनियरिंग है उसमें 38% कम किया है।
इंडस्ट्रीज और कॉमर्स जो कि तबाह और बर्बाद हो गया इन 7 महीनों में सरकार के गलत निर्णय की वजह से, उसमें कैपिटल बजट 7.5% कम कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें के बीच में आप कहते हैं कि हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी को आगे ले जाएंगे। नेशनल रिसेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो पॉलिटिकल ऑपरेशन है, लीडर्स आपने सब पॉलिटिकल पार्टीज के या तो बंद रखे हैं, पहली लाइन के लीडर्स आपने जेलों में कश्मीर में या नजर बंद रखे हैं, दूसरी लाइन के लीडर्स आपने हिंदुस्तान के 5 से 6 स्टेटों के जेलों में बंद रखे हैं, और आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में जो चाहे नेशनल लेवल में है, लेकिन कश्मीर में उसकी प्रेजेंस सब रीजनल, रीजनल भी नहीं है बीजेपी की, सब रीजनल। तो एक सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को खुला छोड़ दिया है, उनमें कोई जेल में नहीं है, उनमें कोई नजरबंद नहीं है, उनमें स्टेट से बाहर कोई नहीं है, लेकिन उस सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के जो विरोधी है स्टेट में, जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उनको पराजय देते हैं, वो सब स्टेट और स्टेट से बाहर जेल में है, और ये सरकार कहती है हम उस स्टेट का विकास करेंगे। जरा दूसरी स्टेट में भी ऐसा करके दिखाइए और फिर विकास देखिए तो मैं मानूंगा। ये जम्मू कश्मीर ही क्यों लेबोरेटरी बनी? टूरिज्म खत्म कर दिया, कितने प्रयास होते थे। मैं जब टूरिज्म सिविलाइजेशन मिनिस्टर था 90s, दर्जनों देशों में गए टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए, हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दूसरे हिस्सों, कितने लोगों को तैयार किया हमने देश के अंदर कि वो यात्रा करने, अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाएं। लेकिन अब पिछली सरकारों ने जो हालात बनाए उनमें बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की सरकार भी मैं कहता हूं और कांग्रेस की सरकारों, टूरिज्म बढ़ गया, मिलिटेंसी न होने के बराबर हो गई, यात्राएं होने लगी, अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड लोग जाने लगे दूसरे सूबों से, इंडस्ट्री बढ़ने लगी, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होने लगा। लेकिन क्या सोचा कभी हमने? ये नहीं सोचा कि कभी अपनी ही सरकार धोखे से ये कह दे कि भाई सिक्योरिटी का कुछ हो गया, कहीं एक बंदूक पकड़ी तो सब टूरिस्ट विड्रॉ हो जाओ, सब यात्री विड्रॉ हो जाओ। तो वो खतरा क्या था? वो बिल जिस तरीके से सदन में आया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आर्टिकल 370 खत्म, काउंसिल खत्म, स्टेटहुड खत्म, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए, और जो स्टेट ऐसे जा रही थी जम्मू कश्मीर की, वो ऐसे चली गई। आज से 30 साल पहले जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर था, उससे भी बदतर हालत आज जम्मू कश्मीर में। अब बोलते जाएं लोकसभा में, राज्यसभा में, गुमराह करते जाएं लोगों को, सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ क्या ठीक हो गया? कितने महीनों के बाद वहां टेलीफोन जारी हो, कितने महीनों के बाद इंटरनेट शुरू हो, 7.5 महीने के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुले, और आज भी इंटरनेट आपका क्या 2G चलता है,
10-15 दिन से 4G नहीं चल रहा। आए कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, उनकी क्या हालत, सड़कों पे कौन काम कर रहा, स्कूल बिल्डिंग देखे। ये मैंने उस सदन के जवाब सुने कि करप्शन खत्म होगी। बिल्कुल करप्शन खत्म होगी, जब काम ही नहीं हो रहा तो करप्शन किस लिए, घर में बैठ के तो करप्शन कोई देगा नहीं। सड़क पे तो कहीं काम चल नहीं रहा, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग तो कहीं बन रही नहीं, हॉस्पिटल बिल्डिंग जो मेरे वक्त में 5 मेडिकल कॉलेज दिए, वो आपसे अभी तक 6.5 साल में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उन पे कोई काम नहीं हो रहा। तो जब किसी चीज पे काम ही नहीं होगा तो करप्शन किस पे देंगे आप? ये क्रेडिट आप शुरू करिए जरा। अभी ऑफिसर्स को नया मालूम ही नहीं है कि यूटी में कैसे क्या काम किया जाता है, उनका स्टेटहुड में काम करने का तरीका। ट्रांसफर हर दूसरे दिन के बाद होती, क्योंकि जो ऑफिसर नई जगह पे जाता है उसको यूटी वाला सिस्टम वहां चलाना नहीं आता है, उसको तीसरे दिन फिर वापस ट्रांसफर करते हैं, फिर ट्रायल करते हैं। अब आप पीजी वाले स्टूडेंट को दोबारा 10th में दाखिला देंगे, जो उसने 10 साल पहले पढ़ेगा बेचारा खो जाएगा। टूरिज्म की वजह से कितने लाखों लोगों को नुकसान हुआ, एप्पल ट्रेड की तरफ से कितना नुकसान हुआ, हैंडीक्राफ्ट की तरफ से कितने खत्म होने की वजह से कितना नुकसान हुआ, बिजनेस लॉसेस कुछ महीनों का ही ट्रेड बॉडीज ने 18,000 करोड़ की बात की थी। बैंक डिफॉल्टर सारे हो गए हैं, होटल वाले सब बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट वाला वो जम्मू वाला हो, कश्मीर वाला है, टैक्सी वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, वो बैंक डिफॉल्टर है, उसको कोई क्या कंपनसेट? ये सरकार ने गलती ही की है, क्या सरकार उसको कंपनसेट करेगा? ये कंपनसेट सरकार को करना चाहिए, जो भी लोन लिए हैं जम्मू के लोगों ने या कश्मीर के लोगों ने। 7 लाख एक अनुमान है, 7 लाख फैमिलीज, 7 लाख फैमिलीज का होगा तकरीबन 40 से 50 लाख लोग की लाइवलीहुड टूरिज्म की वजह से, एप्पल इंडस्ट्री की वजह से और हैंडीक्राफ्ट खत्म होने की वजह से उनको नुकसान हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की जम्मू की तो 50 से 60% खत्म हो गई और कश्मीर की तो तकरीबन 90% स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि बिल्कुल ठप है, जीरो है। मत गुमराह करिए आप लोग पार्लियामेंट के अंदर लोगों को कि सब कुछ डेवलपमेंट और विकास हो रहा। कारपेट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में 62% इस दफा जो एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट है उसमें कमी आ गई है। सैकड़ों और हजारों जो कॉन्ट्रैक्टर्स छोटे और बड़े किसी भी फील्ड के, उनकी पेमेंट सरकार ने रोक के रखी है, वो पेमेंट कब मिलेगी? प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले, 5 साल पहले जब उनकी सरकार बनी थी पीडीपी के साथ 2015 में 80 करोड़ के पैकेज की बात की थी, 6 साल बाद सिर्फ 48% उसमें से खर्च हुआ, 52% अभी भी खर्च नहीं हुआ। तो 6 साल आपको लगते हैं 48% खर्च करने में, 7 साल लगेंगे आपको दूसरा 52% खर्च करने। इसलिए आप यहां 1,28,000 करोड़ बताइए, खर्चा तो उतना ही होना है जितना हमें मालूम है। केंद्रीय सरकार ने बड़े फैनफेयर के साथ ये अनाउंस किया लास्ट ईयर कि अगर फ्रूट सड़ रहा है तो नेफेड के जरिए केंद्रीय सरकार ये सेब खरीदेगी, और अभी भी उसकी चर्चा होती है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर
प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि केंद्रीय सरकार ने नेफेड के द्वारा सेब खरीदे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कितने सेब खरीदे नेफेड के द्वारा, 35,000 बक्स, ये कितना हुआ? पूरी जितनी पैदावार होती है 0.0003%, ये है आपका, ये आपने नेफेड के जरिए खींचा, इसमें जीरो कहां लगाएं ये गिनना भी मुश्किल, मतलब 1% का भी 1/90th ये आपने खरीदा है। बोलते जाइए पूरी दुनिया में कि हमने नेफेड के जरिए सेब खरीदे। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट का क्या हुआ? खुदकशी के सुसाइड के आधा तक पर आ गए वहां के ट्रांसपोर्टर्स। मैं लद्दाख में भी आऊं, ट्रांसपोर्टर्स का क्या हुआ? कश्मीर का कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, ट्रांसपोर्टर हमारे जम्मू के सिख भाई और हिंदू भाई, और उनका ट्रांसपोर्ट क्या होता? जितना भी कश्मीर का जो सेब होता है लाखों टन, वो जम्मू से ले जाना, जम्मू से सामान लेना, एक साइड से भी जम्मू के लिए नमक, जम्मू से कश्मीर के लिए बजाजी कपड़ा, नमक, चावल, चाय, तेल, जो भी कश्मीर वैली के लिए है, ये हमारे जम्मू के ट्रक वाले वहां ले जाते हैं, और वहां से सेब पूरी देश में ले जाते हैं। इस तरह से हमारे जम्मू के ट्रांसपोर्ट वाले जिंदा हैं, और उसमें कई ड्राइवर्स और क्लीनर्स, और रास्ते में जो टी स्टॉल और रेस्टोरेंट लगते हैं वो भी उसी पे पलते हैं, वो आज खत्म हो गए। जम्मू के व्यापारियों का क्या हुआ? जम्मू के व्यापारी जितना भी माल कश्मीर में जाता था वो जम्मू के व्यापारियों से जाता था, तो जम्मू की जब कश्मीर के जब कुएते खरीदने की ताकत 1/10 रह गई, तो जम्मू वाला व्यापारी खुद अपने दुकान पे घर पे बैठ गया, उसकी दुकान पे कोई जाने वाला नहीं है। कश्मीर से जो लोग जम्मू आते थे विंटर में, उस पे टैक्सी, रेस्टोरेंट, होटल्स, वो उसकी जम्मू वालों की इकॉनमी कश्मीर पर चलती थी, वो ठप हो गई। जम्मू में, कठुआ में, सामा में जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज थी, हजारों की तादाद में थी, उनमें से 60% कश्मीर के लिए बनाई गई थी कि कश्मीर को वो चीजें सप्लाई करें, वो सब बैठ गई। तो आप ये समझते हैं कि 370 से और स्टेट तोड़ने से कश्मीर को फायदा नहीं? कश्मीर बैठ गया, जब अगले दो पहिए बैठ गए तो पिछले पहिए तो उससे भी पहले पंक्चर हो गए। तो इस तरह से आप लोगों ने कश्मीर को और जम्मू को भी पंक्चर किया, और लद्दाख तो दोनों और कश्मीर को जोड़ता था, लद्दाख की इकॉनमी भी जम्मू और कश्मीर पर निर्भर थी, वहां का ट्रांसपोर्ट वो भी धर्म मरम हो गया, वहां और कोई रास्ते का नहीं है, एक तरफ से चीन है, दूसरी तरफ से पीओके है, वो भी इस तरह से इकोनॉमिकली खत्म हो गया। तो आपके इस एक झटके से गुरूर जम्मू और कश्मीर का जो इतिहास था, जो कल्चर था, सभ्यता थी, भाईचारा था, हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, वो आपने एक झटके से एक मिनट में खत्म कर दिया। मैं जानता हूं कि जिस तरह से उस सदन में बताया गया, वहां तो आप कुछ भी, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग, लेकिन यहां मैं अभी जिंदा हूं। मैं इसलिए जिंदा नहीं हूं कि उन हालात में मैं यहीं इस सदन में या उस सदन में था, हैं?
नो, मैं ये कह सकता हूं वहां गप नहीं लगे, यहां गप नहीं लग सकती है, मैं उसको कंट्रडिक्ट कर सकता हूं, क्योंकि कई चीजें मैंने भाषण वहां के सुने। कल संडे में पूरे उसमें कितने भाषण सरकार की तरफ से हुए और विपक्ष की तरफ से, वही मैं सुनता था, वो रिपीट हूं। तो इसलिए मैं पुराने जो जख्म है उनको खरीदना, उनको कुरेदना नहीं चाहता, न मैं कुरेदूंगा और मैं उधर से भी निवेदन करूंगा नहीं कुरेदूंगा, लेकिन वो ऐसे के ऐसे जाएं ये मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे इस कुछ साथियों को शायद उस वक्त या तो राजनीति में नहीं थे या हिस्ट्री के उस मकाम पे शायद न थे। मैं उस वक्त मकाम में भी एमपी था और मिनिस्टर था बीच में, तो इसलिए जो जानकारी है कहीं कि मैं व्यक्तिगत जानकारी है। माननीय लोपी साहब, एक मिनट में समय लूंगा। यह बिजनेस जैसा आप सबने तय किया है, पहले 5 घंटे का था, अब 2 घंटे में संपन्न करना है, आप और जितना समय लेंगे बता दें उसके। सर 5 घंटे ना, मैं इकट्ठे बोल रहा हूँ दोनों। नहीं, 5 घंटे को कम कर दिया 2 घंटे में आप सबने सहमति से, तो आपके पास 17 मिनट था, आप और कितना समय लेंगे बता दें। मैं 10-12 मिनट में खत्म। इसमें जम्मू कश्मीर पे बजट पे कोई बोलने वाला नहीं। अगर एडजस्ट कर देंगे तो सब पार्टियों के लिए ठीक हो जाएगा। 2 घंटे ही करना पड़ेगा कि माननीय सदस्यों ने, माननीय चेयरमैन साहब का जो क्लॉक पे जो टाइम आ रहा है उसको 2 घंटे के हिसाब से, वो दिक्कत है जो तकनीकी दिक्कत, ठीक है, वो तकनीकी दिक्कत है, ठीक। सर 2-3 चीजों के बारे में, जैसे मैंने कहा हमें आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं, लेकिन मेरे बाद जो आदत है उस सदन में भी, उस सदन में वक्ताओं की टाका टीका टोकी करने की, और फिर वो चीज़ें ऐसी बताएंगे जिनका मैं उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि इस उस सदन में 2-3 चीज़ों पे चर्चा हुई। यादव जी बैठिए, हम खत्म करेंगे उसके बाद। मैं वापस उस सदन में जब बताया गया कि ये आखिरी दफा होना चाहिए कि इस हाउस में ये बजट पास हो, अगली दफा ये बजट जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास होना चाहिए, लेकिन जवाब में ये बताया गया कि 91 में, 92 में, 93 में, 94 में, 95 में, 96 में आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई, तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। उस वक्त स्टेट थी लेकिन गवर्नर रूल था, और कैसा गवर्नर रूल था, 2 सवालों का इकट्ठे जवाब देना चाहूंगा। दूसरा उठा सवाल कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जिसका हर व्यक्ति को, इधर का हो उधर का हो, हिंदू है मुसलमान, अफसोस है, अफसोस रहेगा, और कश्मीर कश्मीर नहीं है जब तक उसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान जो बाहर गए हैं वो वापस ना आए। मैं कश्मीरी मुसलमान भी, क्योंकि उनकी संख्या भी तकरीबन 3 लाख है, जो नहीं बताया जाता है, जो बाकी देश के हिस्सों में तकरीबन 50,000 के करीब दिल्ली में ही। तो ये वापस जब तक नहीं जाएं तो तब तक कश्मीर कश्मीर नहीं है, कश्मीर का कल्चर नहीं है, कश्मीर की सभ्यता इनकम्प्लीट है, कश्मीर की भाषा, कश्मीर का हर एक खाना पीना इनकम्प्लीट है जब तक ये सब हमारे भाई और बहनें नहीं जाओ। लेकिन उसको भी इनकम्प्लीट एक तरफ से कहा जाता, जवाब में कहा गया कि ठीक है कश्मीरी पंडित भाई वीपी सिंह की जमाने में चले गए,
वीपी सिंह को बीजेपी सपोर्ट करती थी, सो इट वॉज ए बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट ड्यूरिंग वीपी सिंह, इसलिए कांग्रेस बाहर थी। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ, ये वीपी सपोर्टेड बीजेपी सपोर्टेड वीपी सिंह गवर्नमेंट थी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने उसमें कुछ काम किया। मैं ये भी मानता हूँ कि जगमोहन बीजेपी स्पॉन्सर्ड गवर्नर था, उनके वक्त में भी हुआ। लेकिन कहा गया कि 91 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई तो तब क्यों नहीं लिया। तो नरसिम्हा गवर्नमेंट में मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि 91, 92, 93, 94 में बजट यहां क्यों पास हुआ, जो ये लोग कहते हैं कि 91 में भी हमारे कश्मीरी पंडित या दूसरे कश्मीरी भाई को कश्मीर में क्यों नहीं वापस लेना चाहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये आपके लिए। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 91, 90 से और 96 में क्या हालात थे। मैं उन्हीं 5 साल का पढ़ता हूं। 34,768 इंसिडेंट मिलिटेंट रिलेटेड, 5,411 किल्ड सिविलियन किल्ड, 1,336 सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड, डोमेस्टिक टेररिस्ट 7,660 किल्ड, फॉरेन मिलिटेंट्स 476 किल्ड। ये हैं हालात, और इनमें कहते हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं लिया, और इसमें आप कहते हैं कि आपने वहां बजट क्यों नहीं पास किया। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज इन्हीं 6 साल, टोटल इंसिडेंट 4,039, गवर्नमेंट बिल्डिंगें जलाई गई 1,060, एजुकेशनल बिल्डिंगें जलाई गई 576, ब्रिजेस जलाए गए 332, हॉस्पिटल जलाए गए 9, प्राइवेट जलाए गए घर 5,665, दुकानें जलाई गई 1,610। इन हालात में आप कहते हैं कि आप अपने कश्मीरी पंडित को आप 91 में आए उनको लिया क्यों नहीं। इन हालात में हमें कहते हैं कि आपने बजट वहां क्यों नहीं पास किया। इन्हीं हालात में मिस्टर नीलकंठ, सुनिए, मिस्टर नीलकंठ सेशन जज, जिसने मकबूल भट्ट की राइट ली, फांसी पे दस्तखत किए गए थे, उनका कत्ल किया गया मिलिटेंट का। टिकलाल टपलू जो बीजेपी के लोकल प्रेसिडेंट थे, उनकी हत्या हुई। तेज किशन रैना, फूड एंड सिविल सप्लाईज ऑफिसर थे, उनकी हत्या हुई। भूषण लाल टेली कम्युनिकेशन में काम करते थे, उनकी हत्या हुई। उसी 90 में ही जिस से शिवरिंग शुरू हो गई और पुलिस बैठ गई घर में, सैदुल्ला इंस्पेक्टर भी था, एसएचओ था लाल चौक का, दिन में मारा गया और उसकी बॉडी एक दिन तक मिलिटेंटों ने उठाने नहीं दी। जिस लाल चौक में अगर एक एसएचओ का कत्ल हो जाए और उठाने न दिया जाए आप किसका। मौलवी फारूक जो कि एक बहुत रिलीजियस स्कॉलर थे, आज के जो मौलवी उमर फारूक है उनके बाप, उनका कत्ल हुआ। मशीरुल हक कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनका मिलिटेंटों के हाथों कत्ल हुआ। वली मोहम्मद इत्तू एक्स स्पीकर, उनका कत्ल हुआ। अब्दुल रजाक इत्तू उसके छोटे भाई, उनका कत्ल हुआ। मुश्ताक अहमद लोन एक्स होम मिनिस्टर जो डिजॉल्व्ड असेंबली के होम मिनिस्टर थे, उनका कत्ल हुआ। सफदर अली बेग जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे डिजॉल्व्ड असेंबली का, उसका कत्ल हुआ। शेख मंसूर एमएलए, उसका कत्ल हुआ। मोहम्मद सुबहान एमएलए त्राल से, उसका कत्ल हुआ। अब्दुल मजीद बांडे एमएलए कांग्रेस के, उनका कत्ल हुआ। अब्दुल जबार एक्स मिनिस्टर गांधरबल का, उनका कत्ल हुआ। गुलाम हुसैन बाट सिटिंग मिनिस्टर, उसका कत्ल हुआ।
गुलाम कादर मीर XML पुलवामा उनका कत्ल हुआ, गुलाम नबी डार XML उनका कत्ल हुआ, नज़ीर अहमद नलूरा MLA शोपियान से उनका कत्ल हुआ, पीर शफी मोहम्मद ज़डीबल श्रीनगर से उसका कत्ल हुआ, अब्दुल अहद खान कीन अब्दुल अहद खान MLA कुपवारा उसका कत्ल हुआ, गुलाम कादर निलोरा MLA उसका कत्ल हुआ, मुस्तफा मीर जो चार दफ़ा कांग्रेस के MLA थे उसका कत्ल हुआ, गुलाम रसूल सिटिंग MLC कांग्रेस उनका कत्ल हुआ, पीरजादा मोहम्मद सईद PCC प्रेसिडेंट कांग्रेस के उनके गाड़ी पर अटैक हुआ, 5 लोग मर गए, इनका PSO भी मर गया, सिक्योरिटी के चारों आदमी पांचों आदमी मर गए, वो जख्मी हो गया बच गया, मेल्टा अल्ताफ NC का XMinister ब्लास्ट में उसकी गाड़ी उतर गई, उसकी टांग काट रहे थे तो मैं सिविलेशन मिनिस्टर जहाज में उसको यहाँ लाया, उसकी टांग बचाई, आज वो चलता फिरता है, वो बच गया, अली मोहम्मद नायक स्पीकर उसको यहाँ से गोली निकली इधर बाद में उसमें बच गया, लेकिन वो हमेशा ये आधे मुंह वाला ही जब तक जिंदा रहा। हसन अहमद दीन बांडे वो मिनिस्टर वो मारा गया, सकीना यत्तू XSpeaker की लड़की जो कि मिनिस्टर भी रही उस पर एक दर्जन से ज्यादा अटैक हुए, ये MLAs ये मिनिस्टर ये स्पीकर ये वाइस चांसलर मरे हैं 90 से 96 उसके बाद में, और आप कहते हैं कि आप कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं ले गए? अरे उसमें कश्मीर में था कौन? एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, सब कश्मीर छोड़कर गए थे, दिल्ली छोड़ गए थे, जम्मू छोड़ गए, राजौरी पुंछ के लोग छोड़ के जम्मू में आ गए, कश्मीर में तकरीबन वही लोग रह गए थे जिसके पास किराए वो हिंदू था या मुसलमान था, जिसके पास जम्मू में या दिल्ली में किराए देने के लिए जगह नहीं थी वो लोग के भागा। इसलिए हिस्ट्री को मेरा निवेदन है, मैं विटनेस हूं तमाम चीजों इस तरह से। मान्य लोपी टाइम ओवर है, आखिरकार आप कहोगे दिस इज माय लास्ट पॉइंट सर, रिहैबिलिटेशन, हां जब हालात ठीक हुए 2005 में जब मैं चीफ मिनिस्टर था हालात कुछ ठीक हो गए थे, मैं ये नहीं कहता कि ठीक हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने मनमोहन सिंह जी ने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम दिया, मैंने उस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को 24/7 किया, जगह मैंने कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू 3 दिन में हेलीकॉप्टर में घूमता रहा कि कौन सी कश्मीर जैसी जगह मिले दरिया के किनारे, एक स्ट्रेच मुझे मिला सरकारी 1.5 किलोमीटर का दरिया के किनारे चारों तरफ पहाड़े उसका नाम है जगती, 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर शहर से है, वार फुटिंग पे हमने 4,200 फ्लैट बनाए 25,000 लोगों के लिए, मुट्ठी में 1,000 फ्लैट बनाए हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए, इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए 6,000 हमने रूल चेंज किए और 6,000 सिर्फ कश्मीर वैली के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए जगहें निकली, पहले फेज में 3,000 निकाली मेरे वक्त में, उसमें से 2,100 आ गए इंटरव्यू देने के लिए, उसमें से 1,500 नहीं ज्वाइन किया, उन 1,500 ज्वाइन करने के लिए कश्मीर वैली में हमने 6 जगहें में साउथ कश्मीर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में हॉस्टल बनाए तकरीबन 700 के लिए, वो 1,500 के 1,500 और उसके बाद और भी कई सौ लगे, ये हमने उनके लिए काम शुरू किया। लेकिन मैं इस सरकार से पूछता हूं कि सेकंड फेज मनमोहन सिंह जी ने जो जम्मू में अनाउंस किया था और शायद कैबिनेट ने भी पास किया था, वो पे सेकंड फेज था स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, रिवाइवल ऑफ देयर एग्रीकल्चर रेंट, प्रोवाइड लोन्स एट कंसेशनल रेट्स, 15,000 इनकम जनरेटिंग यूनिट्स फॉर माइग्रेंट्स, ये तमाम चीजें 2014 में आपकी सरकार बनी, 2 मीटिंगें आप लोगों ने की और उसके बाद अभी तक उसको रदी की टोकरी में डाल दिया, उसके बाद आप लोगों ने कोई नहीं बात, इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा उस हाउस में, तो आप लोग कुछ भी कह सकते हैं लेकिन इस हाउस में मुझे एक एक इंच की कश्मीर की धरती पे क्या हुआ है वो मुझे मालूम है,
आई एम सॉरी, ऐसी गलत कोई चीज मत बताइए जिसके लिए मुझे बार बार कंट्रडिक्शन करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं केंद्रीय सरकार से ये निवेदन करूंगा कि तुरंत तौर पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वर्कर्स हैं, उनको रहा कर दिया जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस कर दिया जाए। बार बार आप कहते हैं पंचायत इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन जब मुफ्ती सईद और कांग्रेस की कोलेशन थी 2005-06 में भी हुए थे। हाँ, आप बीडीसी की बात कर रहे हैं, बीडीसी पहली दफा लागू ही हुआ, जम्मू कश्मीर में ऐसा कानून ही था, लागू हुआ, लेकिन उसमें जो पंचायत हुए थे, मैंने पिछली दफा इसी हाउस में, अब अगर मुझे यादाइश अगर भी अभी भी याद मुझे याद है, बारामूला कॉरपोरेशन में गया तो 3-4 मेंबर है, एक को 4 वोट आए हैं, एक को 3 वोट आए हैं, एक को 7 वोट आए हैं, और उसको आप कहते हैं कि हमने बड़े सफल पूर्व इलेक्शन कराए। वाह, 2000 में 3000-4000 वोट में आपको 2-3 वोट मिल गए और उसको आप कहते हैं कि भाई ये इलेक्शन हुए, उसको इलेक्शन नहीं कहते, प्लीज कंक्लूड नाउ, उसको फ्रॉड कहते हैं। इस तरह की गिनतियां ये मत गिनिए इस सदन में। इन्हीं के साथ मैंने इस आशा के साथ कि अगला कुछ महीनों में यहाँ स्टेटहुड वापस दी जाएगी, जमीन का इख्तियार और नौकरी का इख्तियार जम्मू कश्मीर और लोगों के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों पर होगा और अगला बजट जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री राकेश सिन्हा। उपसभापति महोदय,